हेलो फ्रेंड्स, मैं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं ये मेरा चैनल टीआर बहादुरपुर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस तरीके का सिंपल कैलीग्राफी लोगो डिजाइन बनाना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने कोरल ड्रा को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको लिखना है, तो जो इसमें हम टाइप करेंगे, आइकॉन का नाम है खंड। आपसे यहाँ पे टेस्ट टूल पे आ जाइए और यहाँ पे लिखना जो चाहे उसको लिख लीजिए। तो मैं तनवीर लिखता हूँ, ठीक है। ये हमारा तनवीर हो गया। इसका जो फॉन्ट है, मैं यहाँ से खंड, ठीक है, हमने यहाँ से खंड सिलेक्ट कर लिया। लेकिन ये देखिए इंग्लिश में है, हमको हिंदी में चाहिए, क्योंकि ये खंड जो है ये हिंदी में हमको चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे और यहाँ पे हम इंग्लिश टू हिंदी इंटर कर देंगे गूगल ट्रांसलेट। अब आपको जो भी हिंदी में लिखना है यहाँ पे लिख लीजिए। ये देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश है और यहाँ पे हिंदी। जैसे हमने यहाँ पे तनवीर लिखा, आप देख सकते हैं इधर हिंदी में तनवीर लिख के आ गया है। यहाँ पे आप आएंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, ट्रांसलेशन कॉपी, ये कॉपी हो गया। अब हम फिर अपने कोरल ड्रा में आ जाएंगे, टेक्स्ट टूल पे आएंगे और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके अब हम इसको बड़ा कर लेंगे और ये देखिए यहाँ पे फॉन्ट दूसरा दिखा रहा है। हम इसको यहाँ से खंड सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने खंड सिलेक्ट कर लिया, आप देख चुके हैं ये बोल्ड फॉन्ट हो गया हमारा और हिंदी हो गया। ऊपर वाले को हम डिलीट कर देते हैं। अब इसको हमको थोड़ा सा कैलीग्राफी डिजाइन में बनाना है, तो उसके लिए मैं आपको एक फाइल दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, एएमएस योगेश के नाम से है ये, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे डिजाइन है, ये एएमएस योगेश का फॉन्ट का है सारा। इसमें से आपको जो अच्छा लगे और जिस तरीके से आप सेट करना चाहें उस तरीके से आप सेट कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा दिखाने के लिए ले लेता हूं, इसको ही मैं ले लेता हूं यहाँ पे। ये हमारे यहाँ पे आ गया, ये काफी बड़ा है तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से छोटा कर लेते हैं। छोटा हो गया, ये रेड कलर है तो इसको यहाँ से हम ट्रेस कर लेंगे लाइन आर्ट पे। देखिए हमने लाइन आर्ट पे ट्रेस कर लिया, ये अभी इतना ही सिलेक्ट है, पहले ये बहुत ज्यादा सिलेक्ट था, इसको अब कोई जरूरत नहीं है, डिलीट कर देते हैं और इसको हम यहाँ से ब्लैक फिक कर देते हैं। यहाँ पे लाके इस तरीके से सेट कर देंगे, छोटा बड़ा कर लेंगे अपने फॉन्ट के हिसाब से इस तरीके से। अब इस साइड अगर आप चाहें तो यही डिजाइन रख सकते हैं और चाहें तो दूसरा डिजाइन रख सकते हैं। मैं सारी डिजाइन आपको दे दूंगा, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैं सिर्फ इसी को रख के जल्दी से वीडियो को फाइनल करता हूँ। ये हो गया हमारा, इसकी सेटिंग अच्छे से करेंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा। अब इसमें से कुछ और ले करके नीचे के हिस्से पे हम लगा देते हैं।
मुझे इसमें से कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो मैं अपने से ही बना लेता हूँ। यहाँ पे आ जाएंगे फ्री हैंड टूल और यहाँ पे ये देखिए आर्टिस्टिक मीडिया टूल, इस पे सिलेक्ट करेंगे, ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए कैलीग्राफी का, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको बना लेते हैं इस तरीके से। जितना अच्छा से चलाएंगे ये अच्छा बन जाएगा। ये क्योंकि बड़ा हो गया है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, इस तरीके से छोटा करके इसको यहाँ पे सेट करेंगे, इसको भी ब्लैक फिल कर देंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये बेहतरीन डिजाइन आपका तैयार हो जाएगा। ये हमारा इतना फाइनल हो गया। अब आप इसमें अगर कुछ चाहें तो ऐड करना तो ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं। अब हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी के साथ इसको ग्रुप करेंगे और इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे कंट्रोल ई से। यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं किसी भी नाम से, जेपीजी में ही सिलेक्ट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं इसको। एक्सपोर्ट 300 DPI रहेगा, RGB कलर, ओके, यहाँ से ओके। अब ये हमारा इतना हो गया। इसके बाद अब हम फोटोशॉप को ओपन करेंगे। ये है हमारा फोटोशॉप, ठीक है। ये एक मॉकअप की डिजाइन है, इसको भी मैं दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन लिंक से। और यहाँ पे हम फिर अपने JPG फाइल को ओपन करते हैं, ओके, डेस्कटॉप के था ये है तंजीब, इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। कंट्रोल ऐसे पूरे को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी और फिर मॉकअप वाली फाइल में आएंगे और यहाँ पे देखिए आप लिखा होगा प्लेस योर लोगो हेयर, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे और इस पे हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो ये नीचे वाला लाया था इसको हम यहाँ से हाइड कर देंगे और अपने में देखिए ये चारों तरफ व्हाइट है अभी, तो इसको हम व्हाइट को हटा देंगे मैजिक टूल से। यहाँ से मैजिक वन टूल लीजिए, इसको हटा दीजिए ताकि ये ट्रांसपेरेंसी हो जाए। आप देख सकते हैं ये हट गया। इसके बाद अगर आप चाहें तो इसको छोटा बड़ा अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद आप इसको यहाँ से काट दीजिए। ये मांगेगा सेव चेंज टू एडा फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, आप इसको यस कर दीजिए कि हाँ इसको हमको चेंज करना है। जैसे ही हम ओके करेंगे पुराना वाला हट के हमारा नया वाला इस पे आ जाएगा। थोड़ा सा ये टाइम लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बन के आ गया, लेकिन चूंकि ये ब्लैक ही कलर में है इसलिए ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देंगे। यहीं पे हम फिर डबल क्लिक करते हैं, इस पे राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे देखिए कहाँ गया ये ग्रेडियंट ओवरले, इस पे हमने क्लिक किया, ये देखिए दो कलर में उठाया, यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर इसको, ठीक है, इस तरीके से ये इस कलर का हो गया। आप ओके करते हैं और फिर यहाँ से कट यस,
आप देख सकते हैं ये हमारा लोगो तैयार हो गया। लेकिन एक चीज और आप यहाँ पे नोट करिएगा कि ऊपर से इस पे लाइट आ रही है, इसलिए ऊपर का थोड़ा सा हल्का दिख रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे लाइटिंग दिखा रहा है, आप इसको चाहे तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। देखिए हमने इसको हाइड कर दिया, तो अभी हमारा फुल कलर उनको शो कर रहा है। अब आप इसको सेव कर सकते हैं पीएनजी में, जेपीजी में, चाहे जैसे, और जिसको चाहे भेज सकते हैं और अपने काम में यूज कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर नए हैं आप मेरे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें।